हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो हमारी एक छोटी सी यूट्यूब फैमिली में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आप हमारी फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हैं तो नीचे दिखने वाले सब्सक्राइब बटन को आप क्लिक कर दीजिए और बेल आइकन को भी हिट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाएं। फ्रेंड, आज की ये वीडियो ना ही केवल बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। कुछ फैक्ट्स मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। जैसा कि आपको थंबनेल से पता ही चल गया होगा कि आज की इस वीडियो में मैं वैसलीन के अमेजिंग यूज़ आपको बताऊंगी, और जो आपको शायद ही पता होंगे और शायद ही आपने वो वैसलीन को इस तरीके से यूज़ किया होगा। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, वैसलीन एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसे इंट्रोडक्शन की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये मोर देन 150 ईयर्स से हम यूज़ करते हुए आ रहे हैं। 1870 में इसका इन्वेंशन हुआ था और इसको बनाने वाले शख्स का नाम था सर रॉबर्ट ऑगस्टस, और ये अमेरिका के केमिस्ट थे। तो फ्रेंड, इनिशियली इन्होंने क्या देखा, अमेरिका में माइन में काम करने वाले वर्कर्स जो होते हैं वो रोड वैक्स का यूज़ करते थे अपने किसी भी वुंड को और किसी भी तरीके के कट्स को हील करने के लिए। तो उन्होंने ये नोटिस किया कि किसी भी कट्स को हील करने के लिए जब वो रोड वैक्स का यूज़ करते हैं तो वो कट जो है बहुत जल्दी हील हो जाता है। और इस तरीके से उन्होंने इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च की और इसके बाद उनको उन्हें पेट्रोलियम जेली को इन्वेंट किया। तो फ्रेंड, अगर मैं वैसलीन की इनिशियली फोटोग्राफ्स आपको दिखाऊं तो ये देखने में कुछ इस तरीके का लगता था, इस तरीके के ब्लैक एंड वाइट कलर की जो है उस टाइम जो है पिक्चर्स आती थी। तो ये इसकी पैकेजिंग कुछ इस तरीके की थी। उस टाइम ये कांच के बॉक्स में आता था और अब ये जो है काफ़ी पोर्टेबल हो गया है। अब जो है ये आपको प्लास्टिक के जार में मिल जाता है जो ईजी टू कैरी है, आप कहीं पर भी लेके जा सकते हैं इसे। पेट्रोलियम एक पीले और सफ़ेद रंग का चिपचिपा पदार्थ होता है जो पेट्रोलियम बेस्ड मिनरल ऑयल और वैक्स को मिक्स करके बनाया जाता है। तो इसके अंदर मॉइस्चर लेवल काफी हाई अमाउंट में होता है, जिसकी वजह से अगर आपकी स्किन बहुत बहुत ज्यादा ड्राई होती है तो ये ड्राई और फ्लेकी और पैची स्किन की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ कि वैसलीन को यूज़ करते वक्त आपको किन बातों का ध्यान रखना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो चलिए हम देख लेते हैं वैसलीन का सबसे पहला बेनिफिट। वैसलीन आपके कर्ली हेयर को मैनेज करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। कर्ली हेयर जो है इजीली मैनेजेबल नहीं होते, आप क्या कर सकते हैं, मेरे हेयर कर्ली हैं, मैं इस हैक को यूज़ करती हूँ और मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। आपको पहले अपने हेयर को वॉश कर लेना है, फिर आपके हेयर जब थोड़े गीले रह जाएँ, बिल्कुल ड्राई हेयर नहीं, हल्के हल्के गीले हेयर में आपको वैसलीन लेनी है। वैसलीन ऐसे रब करने के बाद आपको इस तरीके से अपने बालों पर, जैसा कि मैं आपको शो कर रही हूँ, इस तरीके से अपने बालों पर लगा लेना है। आपके कर्ल जो है बिल्कुल विजिबल हो जाएंगे, एकदम मैनेजेबल जाएंगे, एकदम सॉफ्ट हो जाएंगे। आपके आईब्रोज की ग्रोथ काफी ज्यादा कम है तो आप नाइट के टाइम वैसलीन का लिटिल अमाउंट लेके इस तरीके से आप अपने आईब्रोज की मसाज कीजिए और ओवरनाइट उसे छोड़ दीजिए। और आईलैशेस पे लगाने के लिए एक आप पुराना मस्कारा ले सकते हैं, उसको अच्छे तरीके से क्लीन करने के बाद उस पर आप वैसलीन लगाने के बाद अपने आईलैशेस की इस तरीके से कोटिंग कीजिए और ओवरनाइट उसे रहने दीजिए। इससे क्या होगा, आपकी आईलैशेस और आपके आईब्रोज की ग्रोथ जो है धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगी और आपको काफी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ट्राई करके जरूर देखना। अगर वीडियो इंटरेस्टिंग लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो वैसलीन को अपनी अंडर आई स्किन को मॉइस्चर करने के लिए, रिंकल्स को सॉल्व करने के लिए यूज कर सकते हैं। फ्रेंड, हमारी पूरी स्किन में केवल अंडर आई वाला और हमारे आईलेड वाला जो एरिया होता है, यहीं पर जो होता है ऑयल प्रोड्यूसिंग ग्लैंड नहीं होता, बाकी रेस्ट ऑफ द फेस पर हमारे ऑयल आता है, जिसकी वजह से मॉइस्चर का लेवल जो है बना रहता है। बट यही एरिया जो होता है जहां पर मॉइस्चर बहुत कम होता है, ना के बराबर मॉइस्चर आता है, और अगर हम यहाँ पर मॉइस्चराइजर नहीं लगाते हैं या इनफ मॉइस्चर नहीं देते हैं अंडर आई एरिया और आईलिड के पार्ट को, तो हमारी स्किन ड्राई होने लग जाती है, यहाँ पर लाइंस आना स्टार्ट हो जाती है। तो वैसलीन जो है एक बहुत बहुत अच्छे मॉइस्चराइजर का काम करता है। तो क्या करना है, रात के टाइम पर आपको बहुत कम अमाउंट में वैसलीन लेनी है और अपने अंडर आई एरिया पर कुछ इस तरीके से मसाज करनी है, और आप अपर लिड पर भी इसे लगा सकते हैं, बट आपको मेक श्योर कि आपकी आईज में ये नहीं जाना चाहिए। बहुत लिटिल अमाउंट में आपको मसाज करनी है, यहां का मॉइस्चर लेवल बना रहेगा, आपकी स्किन ड्राई नहीं होगी और यहां पर फाइन लाइंस की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी।
नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वैसलीन करती है बहुत अच्छे लिप ग्लॉस का काम। आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर वैसलीन को मैंने डबल बॉयलर प्रोसेस की हेल्प से मेल्ट कर लिया है। आपको डायरेक्टली हीट नहीं करना है, आपको डबल बॉयल प्रोसेस की हेल्प से ही इसको मेल्ट करना है। उसके बाद मैंने इसके अंदर अपनी मनपसंद की जो भी आप शेड चाहते हैं उस शेड की लिपस्टिक डाल लीजिए और उसको अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद आप इसे रख दीजिए सेट होने के लिए और आपका बहुत अच्छा लिप ग्लॉस बनके रेडी हो चुका है। आपके लिप्स को हाइड्रेट तो करेगा, साथ ही साथ एक अच्छा वाला टिंट भी देगा। तो इस तरीके से आप फ्लेकी लिप्स और चैप लिप्स की जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व कर सकते हैं वैसलीन की हेल्प से। और इसमें से कौन सा हैक आपको सबसे अच्छा लग रहा है मुझे कमेंट में जरूर बताना। आप वैसलीन यूज कर सकते हैं अपनी फटी एड़ियों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अगर आपको अपनी एड़ियों पर किसी भी तरीके की क्रीम लगाना पसंद नहीं है, आप नहीं चाहते कि मार्केट से आप कोई क्रीम खरीदे और लगाए, तो आप घर में ही अपनी वैसलीन से ही अपनी जो है क्रीम बना सकते हैं और अपनी फटी एड़ियों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, एक चम्मच वैसलीन लेनी है और एक चम्मच वैसलीन में आपको एक चम्मच ऑलिव ऑयल ऐड करना है और उसके बाद आपको एक चम्मच एक विटामिन ई का कैप्सूल ऐड करना है और इसके अंदर एक चम्मच आपको एलोवेरा जेल ऐड करना है। अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है और इसको डबल बॉयलर प्रोसेस की हेल्प से मेल्ट कर लेना है और एक कंटेनर में डाल के रख लेना है। तो ये बन गई है आपकी बहुत बहुत इफेक्टिव क्रैक हिल्स वाली क्रीम। अब इसको आपको क्या करना है, नाइट के टाइम आपको अपने पैरों को अच्छी तरीके से क्लीन कर लेना है, उसके बाद आपको इस क्रीम से मसाज करनी है अपनी एड़ियों पर, देन आप सॉक्स पहन लीजिए और उसके बाद सो जाइए और नेक्स्ट डे आप देखेंगे कि आपकी जो क्रैक हिल्स की प्रॉब्लम है सॉल्व हो गई है। आपको ये रेगुलर 1 वीक तक करना है, 1 वीक में आपके क्रैक हिल्स की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आप अपने फटे हाथों पर भी इसे यूज कर सकते हैं क्योंकि कई लोगों की जो है विंटर्स में जो है हाथ बड़े फट जाते हैं, यहाँ से पाम काफी ज्यादा क्रैकी हो जाते हैं, तो आप उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। आप वहां लगा लीजिए और रात में लगा के सो जाइए, मॉइस्चर आपको मिलेगा और ये इसकी प्रॉब्लम भी जो कट्स की प्रॉब्लम है क्योंकि हम चाकू का यूज करते हैं तो यहाँ पर कट्स लग जाते हैं, आप इस तरीके से अपने कट्स को भी भर सकते हैं। बात कर लेते हैं कि वैसलीन को यूज करते वक्त आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले अगर वैसलीन को आप यूज़ करते हैं ऑयली स्किन पर तो आपको ऑयली स्किन पर वैसलीन को यूज़ नहीं करना क्योंकि वैसलीन होती है बहुत बहुत ज़्यादा चिपचिपी और अगर आप ऑयली स्किन पे इसे यूज़ करते हैं तो पिंपल और एक्ने की प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ सकती है। तो ऑयली स्किन पर आप ना यूज़ कीजिए इसे। अगर आपको यूज़ करना है तो आप एलोवेरा जेल के साथ बहुत लिटिल अमाउंट में मिक्स करके यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड, यूज आप जब भी करते हैं तो आपको डे टाइम पर इसको यूज नहीं करना है, आपको ऑलवेज ये नाइट रेमेडी की तरह जो है नाइट हीलिंग रेमेडी की तरह ही इसे यूज करना है। आप नाइट में इसे लगाइए और लगाने के बाद सो जाइए, आपको डे टाइम में वैसलीन को यूज नहीं करना है। डे टाइम में पेट्रोलियम जेली सन के एक्सपोजर में आने के बाद रिजल्ट खत्म कर देती है और आपकी स्किन और ज्यादा काली हो जाती है, तो डे टाइम में इसे कभी नहीं लगाना है। तो फ्रेंड ये था ऑल अबाउट वीडियो हाउ टू यूज वैसलीन फॉर द बेस्ट रिजल्ट। तो फ्रेंड वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। ये मैंने कोशिश की कि मैं वैसलीन के अच्छे से अच्छे और ज्यादा से ज्यादा यूजेस आपके साथ शेयर कर सकूं। तो वीडियोस अच्छे लगते हैं तो वीडियोस को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, मुझे आपके सपोर्ट की जरूरत है, आई होप आप मुझे सपोर्ट देंगे। तो मिलती हूं मैं और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, टिल देन बाय बाय।